गया में बेखौफ बाली माफियाओं ने पुलिस की टीम पर हमला किया है। इस हमले में कई पुलिसकर्मी चोटिल भी हो चुके हैं। वहीं एक बालू लदे ट्रैक्टर वाहन को पकड़ने के बाद बालू माफिया के द्वारा इस तरह का हमला किया गया है और अचानक पुलिस की टीम पर रोड़ेबाजी शुरू हो गई है। अचानक हमला होने से पुलिस की टीम को पीछे हटना पड़ा और इस क्रम में कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गई। वहीं माफियाओं ने पुलिस वाहन के शीशे भी तोड़े हैं। यह घटना गया शहर के डेल्हा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार डेल्हा थाना क्षेत्र की गश्ती वाहन पुलिस के द्वारा छोटकी नवादा गांधी चौक के समीप एक बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा गया है, जहां बालू माफिया अवैध तरीके से बालू परिचालन का काम किया जा रहा था। वही इस तरह की घटना की जानकारी डेल्हा थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने द्वारा उनके बताया गया कि वरीय अधिकारी को दी गई थी। वही वरीय अधिकारी के निर्देश पर तुरंत गया शहर के कई थाने की पुलिस और अतिरिक्त बल के मौके पर भेजा गया है। शहर के सिविल लाइन चंदौली कोतवाली समेत अन्य थाने की पुलिस को मौके पर भेजा गया है और बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बता दें कई थानों की पुलिस के पहुंचने के बाद हमले में शामिल रहे चिन्हित कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। वही बालू माफिया लदे वाहन को भी जब्त किया है। बता दें चले कि हरकत में आई पुलिस की टीम बालू माफियाओं को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार बालू माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, अब उनकी गिरफ्तारी के प्रयास इस वक्त चल रहे हैं। इस संबंध में गया SSP आशीष भारती बताते हैं कि पुलिस पर हमला करने वाले दो बाली माफियाओं को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। वही ट्रैक्टर जो कि बालू लोड है उसकी भी बरामदी की गई है। मामले में केस दर्ज का कार्रवाई की जा रही है। निधि सिंह के साथ गया से सौरभ की रिपोर्ट। जो बालू माफिया द्वारा जो पुलिस पर हमला किया गया, उस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पुलिस को यह सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग अवैध धन कर रहे हैं और अवैध धन करके उसका परिवहन करते हैं। अवैध धन एवं परिवहन पर पूर्णतः लगाम लगाने के लिए गया पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम डेल्हा थाना को यह जानकारी मिली कि वहाँ से अवैध खनन करके उसका परिवहन करके कुछ लोग जो बालू है उसको ले जा रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए SHO डेल्हा के द्वारा अपने अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ जब वहाँ पर छापेमारी किया गया तो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो कि स्थानीय वहाँ के निवासी थे उनके द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। उसमें पुलिस के द्वारा कड़ाई से कार्य करते हुए दो ऐसे असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की गई है तथा एक अवैध बालू लदा ट्रैक्टर को बरामद किया गया है। इस मामले में कांड दर्ज करके जो भी इसमें शामिल लोग हैं उनको चिन्हित करते हुए अभी तक कार्रवाई की जा रही है और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई भी कार्य करेंगे, अवैध कार्य करेंगे या फिर किसी भी प्रकार का अवैध कार्य में संलिप्त रहेंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। सर, देखा जा रहा है कि लगातार जो है अवैध बालू के खिलाफ पुलिस छापेमारी कर रही है, मगर वहीं बालू माफिया भी जो है वो पुलिस पर लगातार हमले भी कर रहे हैं, इसे लेकर क्या तैयारियां की जाएगी? देखिए, हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई करते हैं और प्रतिदिन अवैध खनन या परिवहन के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार के मामले कभी कभार ही होते हैं, परंतु उन मामलों में भी जो हम लोगों ने यह इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया है और ऐसे सभी मामलों में सूची बनाई गई है जो कि इस मामले में इस प्रकार के मामलों में संलिप्त रहते हैं और एक विशेष टीम का गठन किया गया है जिसके द्वारा ऐसे मामलों में जो वांछित या फरार अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और उसमें गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और कई लोग इसमें पुलिस की गिरफ्तारी के भय से माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो लगातार जो हमारा जो कार्य है वो हम लोग उसको चाहे उस पर खनन करने वालों की कार्रवाई है या फिर इस सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले लोगों की कार्रवाई है उसको हम लोग कर रहे हैं और इसको आगे भी हम लोग जारी रखेंगे।